जनता को, बोली वाली जनता को इतना पागल बनाया जा रहा है भाई, मैं क्या बताऊं। मतलब ये कुछ डॉक्टरों ने इतना ज्यादा नाम, क्या हाल चाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका हूं दोस्त आदमी, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने छोटे से YouTube चैनल पर। तो गाइस, आज है 23rd of January, एज यू नो ऑल, अपन ने नई कार ली है, तो उसके आज अपन को RTO रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जाना है। लेट्स सी, अभी तो वो तो देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। जो बंदा है, ओनर है, उनका कॉल आएगा तो अपन चले जाएंगे। फिलहाल तो अभी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और निकलेंगे अपने क्लिनिक के लिए। और कल अपने साथ एक बहुत खतरनाक वाला स्कैम हो गया यार। मतलब हम हॉस्पिटल गए थे सोनोग्राफी करवाने के लिए मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी की। मैं ये बोलता हूँ भाई, जितने भी अपन सोचते हैं ना कि अपने जानकार, एकदम खास कोई जानकार है, वो बात अलग होती है। जो नॉर्मल अपन किसी को हाई हेलो होती है, मत जाना भाई, ठीक है। इससे बड़ा अच्छा आप अननोन के पास चल जाओ, उनको कम से कम कोई बात हो तो आप बोल तो सकते हो, ठीक है। बाकी ये बात है, बाकी विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले अपन ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, अभी नहाना है, नहा धोके ब्रेकफास्ट वगैरह करके क्लिनिक पे भी जाना है अपन को। तो फट से पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, देन उसके बाद आई विल टेल यू क्या हुआ था। तो गाइस, आप ये जो क्लिप देख रहे हो ना, ये लास्ट जो क्लिप आप लोगों ने देखी, उससे दो दिन बाद में मैं शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया इन दो दिनों में, और जो अपना सारा काम पेंडिंग था ना, वो अभी तक पेंडिंग ही है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया यार। आगे कागज वगैरह जो नाम करवाने हैं ट्रांसफर, वो कुछ भी नहीं हुआ अभी। और अभी फिलहाल हम बैठे थे, सडनली मेरा प्लान बन गया, चलो पठान देख के आते हैं। आज पठान रिलीज हुई है, मैंने चेक किया तो एक थिएटर में तो पूरा हाउसफुल था शाम तक का, और अभी एक थिएटर में खाली बताया, बट वो थोड़ा दूर है, मतलब सिटी से एक साइड से दूसरी साइड जाना पड़ेगा। 12:45 का शो है, 12:30 ऑलमोस्ट यहीं पे हमको हो गए अभी। तो अब देखो, अब निकले हैं हम यहाँ से, 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेट्स सी, आप लोगों को जरूर बताएंगे कैसी मूवी है कैसी नहीं है, जितना मतलब हाइप क्रिएट हुआ है वो वर्थ है या नहीं है, वो तो चलो अभी देखते हैं। बस एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए। वैसे मेन जो है ना, वो एंट्री होती है भाई, थिएटर में एंट्री का मजा ही अलग होता है, जब मूवी SR की या फिर सलमान भाई की हो तो, ठीक है। अभी तो फिलहाल ट्रैफिक झेल रहे हम, अब दिल्ली वाला राइडर बनना पड़ेगा। गाइस गाइस, ट्रैफिक की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है, 12:36 हो चुके हैं यार, टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं, लेट्स सी। मतलब भाई, गाड़ी लेने के बाद मेरे को पता लगा है, मतलब कार ली ना उसके बाद मेरे को पता लगा है कि सीकर में इतना ट्रैफिक भी होता है भाई। बाइक पे तो पता ही नहीं था कि इतना ट्रैफिक भी होता है सीकर में, शाई शाई करके निकल जाते थे कहीं ना कहीं से गलियों में से। अब देखो ये देखो कितना ट्रैफिक है भाई, जब आज पता चला मुंबई वाले ट्रैफिक को इतना क्यों कोसते हैं। तो गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 12:42, और ये देखो भाई कसम से इतने बढ़िया बढ़िया मेरे मुंह से हलमे निकल रहे हैं ना इनके लिए, देखो क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। अब 5-10 मिनट का तो चल जाएगा, बट यार बस एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को जरूर बताऊंगा मैं कैसी मूवी कैसी नहीं, वर्थ है या नहीं, इतनी हाइप क्यों हुई है मूवी की। गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 12:45 और फाइनली ऑन टाइम पहुंच गए। ये है सीकर का बायोस्कोप मॉल, सीकर का इकलौता मॉल है, बस पहुँच गए अभी। अभी चलते हैं ऊपर फटाफट से, 12:45 तो अभी चलते हैं ऊपर बस। फाइनली मूवी हो गई ओवर, और क्या मूवी है मैं क्या बताऊँ आप लोगों को भाई, पैसा वसूल, डबल पैसा वसूल। अभी भूख लग रही खतरनाक, अंदर कुछ खाया नहीं था, अभी यहाँ पे पेटीज वगैरह की शॉप है तो अभी चलते हैं पेटीज वगैरह खाते है ना, फिर निकलेंगे सीधा क्लिनिक के ऊपर, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 4 बज गए। तो गाइस, फाइनली मूवी इज ओवर और पेटीज वेटीज खा लिए थे हमने भाई, भूख इतनी दबा के लग रही थी ना मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ सोचा ही नहीं उसके बाद में भाई, कसम से मजाक नहीं कर रहा, हाथ में आते ही वो कब खत्म हुआ पता नहीं चला। मेरे को तो भूख लग रही, बट अभी टाइम 3:51 हो गया है यार, अभी क्लिनिक का टाइम भी हो गया, अभी अब खाना खाने घर पे जाऊंगा, गाड़ी 1 घंटा पूरा लग जाएगा, 5 बज जाएगी, तो इतना टाइम है नहीं। अभी शाम को जिम भी जाना है तो खाना भी जरूरी है, तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि अभी
शॉप पे मेरे राइस केक पीनट बटर वगैरह पड़े हैं, तो वही दबाएंगे जाके। और तो कर भी क्या सकते हैं, जिंदगी में हसल बहुत है। बाकी मूवी का बोलू ना भाई, मतलब एक ही नंबर मूवी, मतलब पैसा वसूल क्यों भाई, एक नंबर भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप 300 रुपए दे के भी जा रहे हो ना, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, डबल लेके आओगे ये मान लो। और एक स्पॉइलर और दे दूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है ना, फर्स्ट डे सेकंड शो देखा है, मतलब फर्स्ट शो तो सुबह वाला हो जाता है। तो एक स्पॉइलर दे देता हूँ, मूवी के अंदर कौन है भाई, सलमान खान अपना, मूवी के अंदर है भाईजान अपना, भाईजान। सो गाइस इट्स नेक्स्ट डे, और अभी हम जा रहे थे अपनी गाड़ी की, मतलब जो सर्विस करवाने, थोड़ा सा काम था पेपर वर्क वो करवाने फाइनली आज। और अभी जयपुर रोड पहुंचे ही थे कि ट्रैफिक देखो आप, चेकआउट करो ट्रैफिक, गाड़ी बंद कर दी मैंने तो भाई, ये देखो मतलब लास्ट 10 मिनट हो गए हमको यहाँ पे खड़े हुए, गाड़ी मतलब एक जगह से हिली भी नहीं है, सीकर का ये हाल है भाई। अभी बाइक होती शाई शाई करके निकल जाते, अब क्या ही करें, मतलब जब कोई चीज़ चली जाती है ना उसके बाद उसकी कदर पता चलती है भाई, लेकिन अब क्या ही करें, अब खड़े हैं, अब देखते हैं कितनी देर में ट्रैफिक खुलेगा। 2 बज चुके हैं यार, 4 बजे तो वापस क्लिनिक पहुंचना होता है मेरे को। बाय द वे हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, आज 26 जनवरी है। जब से भाई साहब स्कूलें छोड़ी और जब से काम पे पकड़ा है ना, कॉलेज वगैरह छोड़ गए, तब से भूल गए क्या 26 जनवरी, क्या 15 अगस्त, क्या 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 कुछ नहीं। पहले तो पता रहता था, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, क्यों भाई है ना, क्या लाइन है, वाह अब क्या करें भाई। गाइस लास्ट आधे घंटे से यहीं खड़े हैं, गाड़ी हिली, गाड़ी मतलब 10 मीटर भी नहीं हिली ये मान लो, मतलब क्या हाल हो गया पता नहीं। अब एक कोई रैली निकल रही थी यार, मतलब ये होना चाहिए अगर कोई इतनी बड़ी, मतलब अभी भी निकल रही है, यू कैन सी ट्रक ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं, अगर इतनी बड़ी रैली निकलती है तो पहले इनको परमिशन लेनी चाहिए, अगर परमिशन नहीं है लेते हैं तो फिर बाद में मतलब पुलिस को उस हिसाब से इंतजाम भी करना चाहिए। कितना ज्यादा ट्रैफिक इफेक्ट हो रहा है यार इसकी वजह से, किसी को भूख लग रही है, ऊपर से भूख लग रही है, इस भूखे इंसान को लेके आ गए, बोला मैं खाना खा गया, मैं बोला 10 मिनट का काम है यार बस जाके आ जाते हैं। अब इसकी भूख की बद्दुआ लगी मेरे को, भूखे की बद्दुआ लगी भाई, यहाँ पे बैठे बैठे मेरे को लग रहा है कि शाम का टाइम यहीं पे हो जाएगा मेरे को, तो मतलब ही नहीं कुछ यार। इतनी बड़ी हाईवे, मेन हाईवे जयपुर टू सीकर कनेक्ट करने की मेन हाईवे, ये बताओ तुम लोग, उसके ऊपर इतना ट्रैफिक। अरे ले ले तो, ओ चाचा नींद में सो उठे बोल भाई, ये सो गया भाई, ये स्विफ्ट वाला सो गया, उसको हॉर्न दिए, वो एकदम से ऐसे चमक के उठा, एकदम से ऐसे उठा, फिर अचानक से गाड़ी आ गई लीज ने, भाई पब्लिक सो गई यहाँ पे ट्रैफिक में, आदत नहीं सीकर के लोगों को ट्रैफिक की। तो गाइस जिस बंदे के पास हम आए थे ना, उसको तो टाइम था नहीं, तो अभी यहीं पे कोई दूसरा जानकार है अपना, मतलब पापा का दोस्त ही है वो, तो उसके पास गाड़ी डाल दी, क्योंकि यार बार बार आना नहीं होता, रोज़ टाइम ख़राब होता है, इसलिए आप करवाना उसका नाम क्या। तो बस गाड़ी डाल दिया, अभी इसको कुछ भूखे को कुछ खिलाता हूँ मैं, ये भूख कर रहा है इतनी देर से, क्या खाएगा भाई। गाइस यहाँ पे आया करते थे हम, ये देखो ये अम्मा का शोरूम, वो सुहाने दिन वो पुराने दिन, आज तो पुचके वाला भी नहीं है गाइस, आपके खासी के आस पास सीट कवर खासी के हैं, और क्या देख टायर भी है, टायर खा ले, बर्गर पिज्जा खिला, पेट्रोल भी ले। तो गाइस किस्मत से हमें मिल गई कचौरी, वो भी गर्मा गर्म, अभी देखते समझते फिर खाएंगे, वो भी जोधपुर वाले की, अभी खाते हैं। सो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है डन, टाइम अभी ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं, और भाई मैंने सोचा था कि मतलब 3 बजे तक घर पे अपन पहुंच जाएंगे, बट वो ट्रैफिक जो लगा था ना बीच में, उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। और सर्विस होते भाई गाड़ी में क्या जाना है, मतलब ऐसा चुम्मा हो गई है गाड़ी में, क्या बताऊं आप लोग, ये बंदे की इतनी खतरनाक काली जबान है ना इसकी इतनी खतरनाक काली जबान है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मतलब अभी इसने बोला मेरे को, यहाँ पे अपन सर्विस करवा रहे थे, बोला वाइपर वाला फ्लूड भी डलवा लेते हैं, मैंने बोला नहीं इसमें है, मैं रोज यूज में ले रहा हूँ, मेरे को पता है इसके अंदर, तो मेरे को बोलता है अरे डलवा ले कुछ नहीं होता, मैं यार नहीं रहने दे कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने अभी जस्ट वाइपर चलाया गाड़ी कांच साफ करने के लिए, और उसका जो फ्लूड होता है वो खत्म, मतलब खतरनाक भाई। किसी को अगर बद्दुआ दिलवानी हो तो कॉन्टेक्ट करो, ठीक है, हमारी बद्दुआ 101% लगती है, अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। सो गाइस फाइनली घर पे पहुंच गया हूँ, तो गाइस टाइम अभी ऑलमोस्ट 4:45 हो गए, और अभी तो मैं मेरे लिए ग्रीन टी बना रहा हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश भी हुआ हूँ, ग्रीन टी वगैरह पी के फिर अपन चलेंगे शॉप पे, फिर वहाँ से जिम भी जाना है शाम को, और जो हॉस्पिटल वाली जो बात आप लोगों को बतानी थी ना, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को जिम से आने के बाद, मतलब रात को। तो गाइस फाइनली
7:40 o'clock और अभी हो गया अपने जिम का टाइम। और एज यू कैन सी प्रोटीन पहले बना लिया क्योंकि भूख लग रही थी यार, खाली पेट जिम होती नहीं, तो प्रोटीन शेक अपन ने पी लिया, अभी चल रहे जिम के लिए। लेट्स गो गाइस। मान जा यार, अरे देख यार छी, तो क्यों देख, छी छी भी करता जा रहा, पीता भी जा रहा, बेकार है कसम। हाँ तो मत पीजिए, बेकार है जाना। सो गाइस फाइनली पहुंच गए जिम, अभी चलते हैं ऊपर। आज 4 दिन हो गए जिम आए हुए, लास्ट फ्राइडे को मैं जिम आया था, उसके बाद आज आया हूँ मैं गाड़ी लेने के बाद में जिम। तो गाइस फाइनली वर्कआउट कंप्लीटेड, अभी चलते हैं शॉप पे डायरेक्ट, बंदे को उठाना है शॉप वाले को, फिर चलेंगे घर पे। गाड़ी का भी अपना सुख है, अब अंदर आके बैठते ठंडी नहीं लगेगी, हर चीज का अपना अपना फायदा होता है। तो गाइस यही होता है शादी के बाद में, आप लोग सोचते होंगे कि मजा आएगा, मजे करेंगे, आराम से खाओ पियो, पड़े रहो, मजे करो, खुद का डिनर भी खुद को बनाना पड़ रहा है भाई, पूरे दिन से थका रहा आदमी घर पे आया, खुद का डिनर भी खुद बना के खा रहा है। तो शादी करने से पहले 2 बार नहीं 4 बार सोचना। तो गाइस बस यही अपन का डिनर, यही मैं खा के सो जाता हूँ क्योंकि है ना, मतलब इसमें प्रोटीन वगैरह भी मिल जाता है, इसके बाद एक दूध का गिलास और पी लेंगे बस, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह, और इसके अंदर है ना 3 तो बॉईल एग है और एक अंडे से मतलब नीचे आमलेट का बेस बना के एकदम कम बटर के अंदर। और अगर आप ऑयल यूज करते हो उससे अच्छा आप घी या बटर यूज करो, क्योंकि ऑयल से ज्यादा हेल्दी वो रहता है, उसमें हेल्दी फैट्स ज्यादा रहते हैं। तो गाइस फाइनली अभी खाना वाना हो गया, मतलब आमलेट वगैरह खा लिया, अभी दूध है वो अभी पियेंगे अपन, और जो क्या हुआ वो मैं आप लोगों को विस्तार से समझाता हूँ हमारे साथ, ठीक है। जो मैंने सोनोग्राफी करवानी थी, मतलब वो हमने जयपुर में करवा ली थी, मतलब मेरे जीजाजी खुद रेडियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने सोनोग्राफी करती थी, उन्होंने देख लिया था, मतलब 3rd trimester में ग्रोथ स्कैन होता है बच्चे का, वो अपन को करवाना था पहले, मतलब वो हमने करवा लिया था ग्रोथ स्कैन। तो उसमें क्या थोड़ी सी एबनॉर्मली लगी थी बच्चे के इंटेस्टाइन में, तो उस टाइम पे क्या बच्चे का ब्लैडर फुल था, तो उन्होंने बोला कि ब्लैडर बच्चा हाथों हाथ खाली करेगा नहीं, अगले दिन हम सीकर आ रहे थे, तो उन्होंने बोला एक बार सीकर में चेक करवा लेना बस खाली, है ना, कि भाई ये ब्लैडर खाली होती है, इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस इतना सा काम था। तो उसके लिए एक नॉर्मल जो सोनोग्राफी होती है जिसमें बच्चे को देखा जाता है वो करवानी थी, FWB जिसको बोलते हैं, वो अपन को करवानी थी। एज यू कैन सी इसमें क्या लिखा हुआ, USG फॉर FWB, तो ये अपन को करवानी थी। मैं गया, नाम तो क्या बताया आपको डॉक्टर का, बस ये मान लो हमारे सीकर में मिल करके कोई डॉक्टर है बहुत फेमस, उनकी डॉटर ही है वो, पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं उनके पास गया, डॉक्टर की जो पर्ची थी वो उनको दे दी मैंने, उनको मैंने बोला कि भैया ये सोनोग्राफी करनी है, बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से मांगे 2000, मैंने बोला कहें के 2000, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ, मेरे को सब कुछ पता है कि कौन से USG का कितना चार्ज होता है। एक्चुअली क्या है कि वो जो डॉक्टर थी वो मेरी सिस्टर की, मतलब कोई जानकारी थी मेरी सिस्टर की, मतलब एकदम खास भी नहीं, मतलब हाँ मतलब बातचीत थी उनसे, तो उस चक्कर में सिस्टर बोला था कि चलो उनसे तुम करवा लेना, मतलब ठीक है हम उनके पास चले गए। अब उन्होंने क्या किया कि मेरे से 2000 रुपये मांगे, मैंने सिस्टर को कॉल किया, उसने बोला कि एक बार दे दे तू, बाकी अंदर जाके डॉक्टर से बात कर लियो, मैं और चल ठीक है मैंने दे दिए। अब उसने जो स्लिप दी मेरे को, बिल काट के दिया, उसमें उन्होंने लिख दिया USG FWB कलर डॉपलर, मतलब कलर डॉपलर जो होती है वो ग्रोथ स्कैन ही होता है, रंगीन सोनोग्राफी जिसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, और उसका चार्ज 2000 रुपये है। उन्होंने मेरे को उसकी स्लिप काट दी, जबकि मेरे को वो करवानी भी नहीं थी, और जो पर्ची थी डॉक्टर वाली उसमें भी वो लिखा हुआ नहीं था, उसमें नॉर्मल सोनोग्राफी लिखी हुई। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला, मान रहे नहीं, मतलब बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, मैंने उनको बोला कि भाई कि मेरे को तो नॉर्मल करानी है, नॉर्मल बोले हाँ यही है वही है जैसे, मतलब मेरे को तो जैसे पता ही नहीं, वो बोले हाँ उसी की पर्ची काटी। मैंने फिर उसको बोला मैं FWB और कलर डॉपलर में तेरे को डिफरेंस पता है क्या, तो उसने बोला कि भाई नहीं यही है। मैंने बोला मेरे को पता है FWB करवानी है, मेरे को पागल थोड़ी हूँ, अब कोई बेचारा पढ़ा लिखा नहीं जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है वो तो बेचारा करवा के आ जाएगा सीधा, मतलब गरीब जनता को, भोली वाली जनता को इतना पागल बनाया जा रहा है भाई, मैं क्या बताऊँ। मतलब ये कुछ डॉक्टरों ने इतना ज़्यादा नाम खराब कर दिया ना सभी डॉक्टर्स का, कि आज लोगों का डॉक्टर्स के ऊपर से विश्वास उठ गया है, ये सारा माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने।
चलो फिर मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, मैंने उनसे बोला, फिर वो मेरे को बोला कि आप मैडम से बात कर लेना, मैडम अगर बोलेगी तो मैं आपको पैसे रिटर्न दे दूंगा। मैं चलो ठीक है, मैडम उसकी भी माँ, मैं जा रहा हूँ अंदर, तो मेरे को अंदर जाने नहीं, जरा सामने आके खड़ा हो जाता है, चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो, अंदर अलाउ। मैं यार तू बात तो करने दे, तू अभी तो बोल रहा था मैडम से बात कर लेना, अब तू बात ही नहीं करने दे रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ गया बाहर। मैं फिर उसके बाद में मैडम ने खुद ने बुलाया, उन जो पहले वाली कोई सोनोग्राफी थी वो देखनी थी, वो मैं लेके नहीं गया था, उसकी फोटो थी मेरे पास, तो मेरे को बुलाया, फिर मैं अंदर गया तो वो मेरे पीछे पीछे भाग के आ गया, चलो चलो बाहर चलो। मैंने बोला सोनोग्राफी दिखा रहा हूँ मेरी भाई, उस दिन लड़ाई हो जाती है, मैं बस मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, उस चक्कर में उस बंदे से मैं भिड़ा नहीं, वरना मैं उसको फोड़ देता वहाँ पे, मेरा इतना भयंकर दिमाग खराब कर दिया उसने। तो मैं अंदर गया तो वो सोनोग्राफी दिखा, मैंने खुद ने मैडम से बोला, मैडम ये आपने, मैंने FWB नॉर्मल करानी थी, आपने कलर डॉपलर क्यों किया? बोला हम करते ही यही हैं, यही होता है, ग्रोथ स्कैन ही होता है इस टाइम पे। मैंने बोला मैडम मेरे जीजा जी खुद रेडियोलॉजिस्ट है, सिस्टर्स ने आपसे बात भी की थी, और हमको तो सिर्फ FWB करवानी थी, नॉर्मल जो स्कैन होता है वो करवाना था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपन ने देख लिया अच्छे से ये वो। मैं यार मतलब क्या पागल बना रहे हो तुम लोग। मैं फिर उससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरी सिस्टर की थोड़ी जानकारी मैं इस चक्कर में, चलो कोई बात नहीं। मैं बाहर आके उसको बोला, मैं यार मैं अब कोई दिक्कत है, मैं 2000 रुपये लूट लिए तुमने, मैंने सीधा ये बोला, मैं 2000 रुपये लूट लिए, मैं ऐसे पागल बनाते हो क्या लोगों? फिर बोलता है अरे नहीं भाई साहब, मैडम ने मना कर रखा है, हम नॉर्मल सोनोग्राफी करते ही नहीं। मैंने बोला फिर तू पहले मना करता मेरे को कि हम नॉर्मल सोनोग्राफी करते ही नहीं है भाई, तो मैं करवाता ही नहीं फिर मैं तेरे से। मैं मेरे बहुत जानकारी सीकर में है, बहुत रेडियो, बहुत जितने भी रेडियोलॉजिस्ट है लगभग सबको जानता हूँ मैं, सब जानते हैं, बल्कि मैं जाता तो वो मतलब एक हिसाब से मान लो कि विदाउट फीस के ही मेरे करते थे, मतलब छोटा सा इतना ही तो देखना, बच्चे की इंटरेस्ट आई नहीं तो देखनी थी ना। चलो वो जो अपना नॉर्मल FWA का चार्ज है वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा हक है वो लेना, लेकिन ये लूटपाट क्या यार, मतलब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब कर रखा है इन लोगों ने, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब कर रखा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। वो बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब इसको मैडम को देखना था बच्चे का फेस है ना, तो फिर बाद में है ना उसने इसमें बच्चे के फेस की फ़ोटो दे दी, तो इस ये खुश हो गए। मैं चलो कोई बात नहीं, 2000 रुपये लगे, मैडम हमारी खुश हो गई। तो बच्चे की फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अपने बेबी की फ़ोटो दिखा दूँ पक्का। तो गाइस ये देखो, दैट्स द फेस, ये लिप्स है ना, ये नोज है, ये आईज है, ये हाथ है साइड में, होंठ मेरे ऊपर गए, लिप्स जो है मेरे ऊपर गए, होंठ बड़े बड़े हैं इसके, तो छोटे छोटे से चिन्ने चिन्ने से निन्ने से मेरे ऊपर गए लिप्स। तो गाइस इस व्लॉग को तो अब यहीं समाप्त करते हैं, तब मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग बन गया, अभी अपना दूध भी ठंडा हो चुका है, बस इसको समझते हैं, फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अपनी कार को अपन सोच रहे हैं रैप करवाने की, तो आप लोग सजेशन दो क्या कैसा कुछ करवाएं, तो आप लोग मेरे को जरूर बताना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, दिस इज आर्या साइनिंग ऑफ, सब्सक्राइब करके जाना।